हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6। दिस इज जॉडीज फोन। फोन होता है मृगशावक, यानी कि हिरनी का बच्चा। तो दिस इज जॉडीज फोन मीन्स यह एक जोड़ी का मृगशावक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। Before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of such home remedies for? अब जो author हैं वो कह रहे हैं instead of rushing to the doctor, कई बार हमें कोई चोट लग जाती है, छोटी मोटी चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर में ही उसका कोई ट्रीटमेंट करने का सोचते हैं, कोई ना कोई होम रेमेडी के बारे में सोचते हैं। और ऐसा ही हुआ। कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज? अ कट ऑन योर नी, अ बर्न ऑन योर आर्म, अ बी स्टिंग। अब आपके घुटने पर कोई चोट लग जाए या फिर आपका हाथ जल जाए और या फिर कोई मक्खी का डंक आपको लग जाए तो क्या आप डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं, आप इन छोटी मोटी चोटों का इलाज घर पर ही कर लेते हो। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में जोडी फादर हैज़ बीन बीटन बाय अ रैटल स्नेक। अब जोडी के फादर हैं, जोडी के जो पिता हैं उनको एक रैटल स्नेक ने काट लिया है। ही क्विकली किल्स ए डॉग एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रो आउट द पॉइजन। अब वो क्या करते हैं, उसी समय जब उन्हें रैटल स्नेक ने काटा था, वो एक हिरनी का शिकार करते हैं और उसके हार्ट और लीवर को यूज़ करते हैं अपने शरीर का जहर बाहर निकालने के लिए। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फोन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब देखो, जोडी के फादर की जान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक हिरनी का शिकार किया, उसे मारा और उसके हार्ट और लीवर को जहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया। अब जोडी हैरान हो रहा है ये सोचकर कि व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फोन लेफ्ट विदाउट अ मदर, उस छोटे से बच्चे का, मृगशावक का क्या होगा जिसकी माँ को उन्होंने मार डाला है। अब वो अपनी माँ के बिना कैसे जीवित रहेगी, उसी के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। अब जोडी है घर पर अपने फादर के साथ वापस आ चुका है, पर घर आने के बाद भी उसके दिमाग में फोन यानी कि उस मृगशावक के बारे में ही बातें आ रही हैं। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। अब उस मृगशावक के बारे में वो लगातार सोचे जा रहा है जोडी, कि अब उसका क्या होगा, वो अकेला है जंगल में और इस बात को वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, और सपने में उसने उसको अपनी बाहों में अपने हाथों में उठाया था उस फोन को। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। अब जोडी क्या करता है, टेबल के पास बैठा होता है, वहाँ से उठकर अपने फादर के बेड के पास जाकर बैठ जाता है। पैनी, पैनी ले एट रेस्ट। पैनी कौन है, जोडी के फादर। पैनी ले एट रेस्ट, उस समय पैनी रेस्ट कर रहे होते हैं। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, और उनकी आंखें पूरी खुली हुई होती हैं, इट मीन्स वो जाग रहे होते हैं। बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, उनकी आंखों की जो बोहीं थी, प्यूपिल्स थी, वो भी पूरी तरह से खुली हुई थी। जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, जोडी पूछता है पापा आप कैसा महसूस कर रहे हो। जस्ट फाइन सन, ऑल डेथ हैज गोन थिविंग एल्सवेयर बट वाजंट इट अ क्लोज शेव। तो जोडी के जो फादर हैं पैनी, वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे लगता है बूढ़ी डेथ, ओल्ड डेथ यानी कि जो बूढ़ी डेथ है वो धीरे से कहीं और चली गई है। बट वाजंट इट अ क्लोज शेव, क्लोज शेव एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बाल बाल बचना, ऐसे लगा जैसे कि मैं बाल बाल बच गया हूँ। आई अग्री, जोडी कहता है मैं सहमत हूँ आपसे। पैनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ट यो हैड एंड डिड वट वॉज नीडिड। पैनी कहते हैं कि जोडी मुझे तुम पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, तुमने वही किया जो तुम्हें कहा गया था और इस तरह से मेरी जान बच गई। पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डव एंड द फोन। अब जोडी अपने पापा को प्यार से बुलाता है और कहता है क्या आपको उस फोन के बारे में याद है, उस मृगशावक के बारे में, उस हिरनी, जो हिरनी का बच्चा था, क्या आपको उसके बारे में याद है। अब देखो, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं जोडी के फादर कैसे बेड पर रेस्ट कर रहे हैं और जोडी पास में खड़ा है और उस मृगशावक के बारे में सोच रहा है।
आई कैन नेवर फॉरगेट देम द पुअर डॉग सेव्ड मी। अब जोडी के फादर कहते हैं मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, द पुअर डॉग सेव्ड मी, उस बेचारी हिरनी ने तो मेरी जान बचाई थी, दैट सर्टेन, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट। अब जोडी कहता है कि पापा वो जो फोन था मृक्षावक था वो अभी भी वहीं पर खड़ा होगा, वहीं पर होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, ये बहुत ही भूखा होगा और डरा हुआ भी होगा। स्केयर्ड यानी कि वो डरा हुआ होगा क्योंकि इसकी मदर को तो हमने मार दिया है, तो वो तो अकेला वहाँ पर डर रहा होगा। आई सुपोज सो, पैनी कहता है मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट यू गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन। अब वो कहते हैं पापा मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मुझे अब दूध पीने की आवश्यकता नहीं है, क्या मैं उस फ़ोन को देखने के लिए जंगल में जा सकता हूँ, मैं उसे अपना दूध भी पीने के लिए दे दूँगा एंड ब्रिंग इट हेयर, क्या मैं उसे यहाँ पर ले आऊँ उस फ़ोन को, उस मृक्षावक को, एंड रेज इट, मैं रेज इट हेयर मीन्स मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूँगा, मैं उसे ब्रोटअप करूँगा। पैनी ले क्वाइट, एक बार तो पैनी चुप हो जाते हैं, स्टेयरिंग एट द सीलिंग, वो छत को देखते रहते हैं। बोए, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, वो कहते हैं कि तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, हैम्ड इन मीन्स सोचने पर मजबूर करना। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉन्स। अब वो कहता है कि पापा मैं ये जल्दी ही उसे बड़ा कर दूंगा, एंड इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉन्स, ये जल्दी ही लीव्स यानी कि पत्ते खाना शुरू कर देगा, अकॉन्स यानी कि दाने खाना शुरू कर देगा, जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। मतलब जोडी ने पूरा मन बना लिया था उस मृक्षावक को घर पर लाने का। You are smarter than boys of your age. अब पैनी कहते हैं कि तुम्हारी उम्र के दूसरे बच्चों से ज़्यादा होशियार हो। We took its mother and it wasn't to blame. हमने उसकी मदर को उसकी माँ को मारा है and it wasn't to blame. इसमें उस मृक्षावक का कोई दोष नहीं था। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. अगर हम उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही ungrateful होगा, कृतज्ञता होगी। Son, I can't say no to you. मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। I never thought I had lived to see another day. मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद मैं दूसरा दिन देखने के लिए जीवित रहूँगा कि नहीं, पर उस हिरनी को मारकर उसकी हार्ट और लीवर को यूज़ करके मेरे शहर बॉडी का जो जहर निकाला गया उससे मेरी जान बच गई, इसलिए मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। Can I ride back with Millville and see if I can find it? अब वो जोडी पूछता है क्या मैं मिलविल के साथ, मिलविल शायद उनके फ्रेंड हैं जोडी के फादर के, क्या मैं मिलविल के साथ जाकर उसे ढूंढ सकता हूँ? Tell your ma I said you can go. तो जोडी के फादर कहते हैं, पैनी कहते हैं कि अपनी माँ के पास जाओ और उन्हें कहो कि मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दे दी है। He settled back to the table and sat down. अब जोडी आराम से थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाता है। His mother was pouring coffee for everyone. उसकी मदर आ जाती हैं और वो सबके लिए कॉफ़ी सर्व कर रही होती हैं। He said, Ma, Pa says I can go bring back the phone. तो अपनी मदर को वो धीरे से कहता है कि पापा ने कहा है कि मैं जंगल में जाकर उस मृक्षावर को ढूंढ कर वापस घर पर ला सकता हूँ। She held the coffee pot in mid-air. अब ये बात सुनकर उसकी जो मदर के हाथ में कॉफ़ी पॉट था वो हवा में वहीं पर रुक जाता है। What phone? कौन सा मृक्षावक? The phone belonging to the dove we killed. अब जोडी कहता है ये वही मृक्षावक है जिसको हमने मारा था। And we used the dove's liver to draw out the poison and saved Pa. और उसके लीवर को यूज़ करके हमने पापा की जान बचाई थी। She gasped. अब वो क्या होती है, एकदम हैरान सी हो जाती है। Well, for pity से, क्या दयालुता के कारण, दया दिखाने के लिए तुम उसे वापस लेकर आ रहे हो उस फ़ोन को? Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. अब जोडी कहता है कि पापा कह रहे हैं कि अगर हम उसे मरने के लिए, भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे टू स्टाव, तो ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा। डॉक विल्सन सेज, अब डॉक विल्सन कौन है? डॉक्टर हैं जो जोडी के फादर को ट्रीट कर रहे हैं। तो डॉक्टर विल्सन क्या कहते हैं? दैट्स राइट मैम, ये बिल्कुल सही है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट, जोडी बिल्कुल सही कह रहे हैं और उसके फादर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें उस फ़ोन को, उस अकेले मृक्षावक को
जरूर वापस लेकर आना चाहिए। मिलविल सेड, अब मिलविल कहते हैं ही कैन राइड बैक विद मी, वो मेरे साथ जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, अब मैं जोड़ी को लेकर जाऊंगा अपने साथ और उस फोन को, उस रिक्शावक को ढूंढने में उसकी मदद भी करूंगा। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, अब जोड़ी की मदर के हाथ में जो चाय का पोट होता है वो नीचे रखती हैं। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, अब उसकी मदर क्या कहती हैं कि क्या तुम जोड़ी, क्या तुम अपना दूध का गिलास उसे पिलाया करोगे रोज, हमारे पास उसे खिलाने के लिए और कुछ भी नहीं है। मिलविल सेट कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू राइडिंग, मिलविल कहते हैं चलो चलो जल्दी चलो, हमें जल्दी से उसे ढूंढ कर लाना है। माँ बैक्स्टर आस्ट एंक्शियसली, माँ बैक्स्टर यानी कि जो जोड़ी की मदर है बैक्स्टर, वो कहती हैं चिंतित होकर, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम ज़्यादा समय के लिए तो नहीं जा रहे हो ना। जोड़ी सेड, अब जोड़ी क्या कहते हैं, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर तक वापस आ जाऊँगा लौट कर। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, अब मिलविल क्या करते हैं, हॉर्स पर चढ़ते हैं, घोड़े पर चढ़ते हैं, एंड पुल जोड़ी अप बिहाइंड हिम, और जोड़ी को अपने पीछे खींच लेते हैं। वी कैन सी मिलविल एंड जोड़ी राइडिंग ऑन द हॉर्स, इस फोटो में हम देख सकते हैं मिलविल को और जोड़ी मिलविल के पीछे घोड़े पर बैठा है और दोनों उस फोन को, मृग शावक को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, अब जोड़ी पूछता है मिलविल से क्या आपको लगता है वो मृग शावक अभी भी वहीं पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। We will find him if he is alive. अब वो कहते हैं, मिलविल कहते हैं अगर वो जीवित हुआ तो हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे। How you know it's a he? तुम्हें कैसे पता कि वो एक मेल है, है ना, वो हिरनी का जो बच्चा है वो ही यानी कि वो बॉय है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन, अब जोड़ी कहते हैं कि उसके जो धारियां थी शरीर पर, जो स्पोर्ट्स धब्बे थे वो एक ही तरफ थे। ऑन अ डो फोन, जो मादा हिरन होती है पास इज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, वो जो स्पोर्ट्स धब्बे होते हैं मादा हिरन के ऊपर धब्बे होते हैं वो दोनों साइड में होते हैं। तो देखिए जोड़ी कितना होशियार है, उसे इतना भी पता है कि वो जो मृगशावक है वो एक बॉय है। तो ये था पार्ट वन, अब हम शुरू करेंगे पार्ट टू। यहाँ से पार्ट टू शुरू होता है। जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, अब जोड़ी ने फोन के बारे में, उस मृग शावक के बारे में सोचना बंद कर दिया था। दे पास्ट द एबंडेंट क्लियरिंग, पास की जो झाड़ियाँ थी उनको पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ते हैं। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, जोड़ी मिलविल से कहता है कि हमें नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा में चलना है। इट वॉज अ फेयर दैट पा गोट बीटन बाय द स्नेक, ये वही जगह है जहाँ पर पापा को स्नेक ने काटा था। एंड किल द डो एंड आई सो द फोन, और यहीं पर हमने उस हिरनी को मारा था। एंड आई सो द फोन, और यहीं पर हमने उस मृगशावक को देखा था। सडनली जोड़ी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, अचानक से ही, सडनली यानी कि अचानक, अचानक से जोड़ी का जो मन था वो मिलविल के साथ आगे बढ़ने का नहीं हुआ। वो नहीं चाहता था कि मिलविल अब और आगे उसके साथ जाए। जोड़ी को लगा इफ द फोन वॉज डेड, जोड़ी को लगा अगर वो मृगशावक मर चुका है और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर वो मुझे नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटेड सीन, डिसअपॉइंटेड होती है निराशा, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी जो निराशा उसके चेहरे पर आई थी उसे कोई और देखे। एंड इफ द फोन वॉज देयर, अगर वो फोन अभी भी वहीं पर है, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट, और अगर वो फोन अभी तक वहीं पर मिला तो जो उसके साथ मिलना होगा, जोड़ी का जो मिलन होगा उसके साथ, वो एक सीक्रेट होगा दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और उस मोमेंट्स को, उस प्यारे से मोमेंट को वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि मिलविल अब और आगे उसके साथ चले। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ, अब वो कहता है कि अब ज़्यादा दूर वो जगह नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक, पर जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत ही घनी हैं फॉर ए हॉर्स, अब घोड़ा उस घनी झाड़ियों में से होकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट, अब मैं पैरों से पैदल ही यहाँ से आगे जाऊँगा, आप यहीं पर रुक जाइए। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, तो मिलविल कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें अकेला यहाँ पर कैसे छोड़ दूँ। सपोज यू गोट लॉस्ट, अगर तुम गुम हो गए,
और गोट बीटन बाय द स्नेक टू, और हो सकता है तुम्हें कोई सांप काट ले, तब क्या होगा? आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, हो सकता है उस फ़ोन को मृक्षावा को ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए, इफ़ ही इज़ वेंडर्ड, हो सकता है वो इधर उधर चला गया हो, लीव मी ऑफ राइट हेयर, जोडी कहता है कि आप मुझे यहीं पर छोड़ दो, ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, अब मिलविल कहता है ओके मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाता हूँ, पर तुम दिशा का ध्यान रखना, तुम्हें पता है ना नॉर्थ किस साइड है और ईस्ट किस साइड है, ईस्ट और नॉर्थ का अच्छे से ध्यान रखना। देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बेयरिंग, देखो वहाँ पर एक पाइन ट्री है, चीड़ का वृक्ष है, जो तुम्हारे लिए एक दिशा सूचक यंत्र का काम करेगा, उसे देखकर तुम दिशा का ध्यान रख पाओगे। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड, अब जोडी कहता है कि मैं बहुत ही ऑब्लाइज्ड हूँ, आपका बहुत ही आभारी हूँ, आपने यहाँ तक मेरी मदद करी। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, हूव्स होते हैं घोड़े के खुर, जो घोड़े के खुर की आवाज़ है, जब तक शांत नहीं हो गई तब तक उसने इंतज़ार किया, वो आवाज़ जब बंद हो गई उसे लगा कि अब मिलविल घोड़े पर जा चुके हैं, तब उसने आगे बढ़ना शुरू करा। देन कट टू द राइट, अब वो राइट साइड की तरफ मुड़ा, द स्क्रब वाज स्टिल, वहाँ पर जितनी भी स्क्रब्स थी यानी कि झाड़ियाँ थी वो एकदम स्टिल थी, स्टिल मीन्स शांति एकदम, ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, अब वो झाड़ियों को जो बुशेज थी उनको आगे बढ़ने के लिए इधर उधर कर रहा था, सिर्फ उनसे जो आवाज़ आ रही थी उसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ही वैंडर्ड, अब वैंडर्ड मीन्स हैरान हो जाना, वो एकदम से हैरान हो गया फॉर एन इंस्टेंट, इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, एक पल के लिए वो वैंडर्ड हो गया, हैरान हो गया कि कहीं उसने गलत दिशा तो नहीं पकड़ ली है। Then a buzzard rose in front of him. तभी एक buzzard होता है गिद्ध, एक गिद्ध वहाँ पर उड़कर आया उसके सामने, and flapped होता है पंखों को फड़फड़ाना, तो उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया। He came into the clearing under the oak. Oak होता है बलूत का पेड़, बलूत के पेड़ के पास आकर वो बैठ जाता है। Buzzard set in a circle around the carcasses of the doe. Carcasses होती हैं डेड बॉडी, तो उस हिरनी की जो डेड बॉडी थी वहाँ पर उसके पास आकर वो बजार्ड गिद्ध आकर बैठ जाता है। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग क्राउनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम, अब उस बजार्ड ने क्या किया, उस गिद्ध ने उस जो बॉडी थी उसकी डेड बॉडी थी डो की उसके पास आकर वो बैठ जाता है, अपनी लॉन्ग लंबी लंबी उस क्राउनी नेक्स पतली सी गर्दन को नीचे झुकाकर और उसके ऊपर हिस्ट यानी कि हुंकार भरने लगता है। ही थ्रू हिज बफ एट दैम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, अब जोड़ी क्या करता है वो एक झाड़ी की टहनी को तोड़ता है और उस बजाड़ की तरफ उस गिद्ध की तरफ फेंकता है, अब उस जैसे ही जोड़ी उसको उसकी तरफ फेंकता है तो वो बजाड़ जो होता है एक एडजेसेंट ट्री यानी कि एक पास के ही पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, अब जोड़ी देखता है कि जो वहाँ पर मिट्टी थी उसके ऊपर एक बड़ी सी बिल्ली के पैरों के निशान थे, अब ये बड़ी सी बिल्ली कौन थी, एक शेर था, बट द बिग कैट स्किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, अब जोड़ी सोचता है कि जो बड़ी बिल्ली थी वो जो शेर था वो तो एक ताज़ा मांस खाते हैं हमेशा, एंड दे हैड लेफ्ट द डो, अब हिरनी का जो शव था उसने किसके लिए छोड़ दिया था वहाँ पर, कैरियन बर्ड्स के लिए, कैरियन बर्ड्स होते हैं सड़ा गला मांस खाने वाले पक्षी, उनके लिए उसने उस डेड बॉडी को छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन, अब उस घास को इधर उधर करके देखने लगा जहाँ पर उसने उस फोन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, उसे लगा कहीं वो मर तो नहीं गई, तो वो झाड़ियों को घास को इधर उधर करके देख रहा था, उसने सोचा कि ये तो अभी यस्टरडे यानी कि कल की ही बात थी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो मर गया हो। द फोन वॉज नॉट देयर, पर उसे फ़ोन वहाँ पर नहीं मिला। ही सर्किल द क्लियरिंग, फिर वो वहाँ पर खाली जगह के चक्कर काटने लगा, उसे ढूंढने लगा। देर वॉज नो साउंड नो साइन, ना तो वहाँ पर कोई आवाज़ थी और ना ही कोई पैरों के निशान थे। द बजार्ड्स क्लैक देयर विंग्स, और जो बजार्ड था गिद्ध था वो भी अभी तक भी अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो अभी भी अपने काम पर वापस लौटने का इच्छुक नहीं था, वहीं पेड़ पर वो बैठा था और सब कुछ देख रहा था। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन
स्टोन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। अब वो वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने उस मृगशावक को देखा था। वो एकदम से अपने पैरों के ऊपर उछल कर वहाँ पर आया था और बैठ गया था, स्टडाइंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। हूफ प्रिंट्स होते हैं पैरों के निशान। उस मृगशावक के पैरों के निशान को ढूंढने की कोशिश करता है। द नाइट रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स। अब रात को बारिश हुई थी, पिछली रात को बारिश हुई थी, उसकी वजह से जितने भी पैरों के निशान थे वहाँ, वो निशान थे वो सब गायब हो चुके थे, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बाजार। सिर्फ बड़ी बिल्ली, उस शेर के और गिद्ध के पैरों के निशान ही दिखाई दे रहे थे। तो ये था पार्ट टू। अब हम पढ़ेंगे पार्ट थ्री। तो पार्ट थर्ड शुरू करते हैं। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम। अचानक से कुछ हलचल होती है जो जोड़ी को स्टार्टल्ड यानी कि हैरान कर देती है एकदम से। सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अब अचानक से हुई इस हलचल से जोड़ी हैरान होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। अचानक से मृगशावक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपना चेहरा उसकी तरफ उठाता है। इट टर्नड इट्स हेड विद अ वाइड वैंडरिंग मोशन। अब क्या होता है, जो मृगशावक होता है अपने सिर को आगे करके वंडर्ड मोशन यानी कि गोल गोल घुमाते हुए जोड़ी की तरफ देखता है। एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। लिक्विड आइज होती हैं नम आंखें। अब मृगशावक अपनी नम आंखों से उसे स्टेयर करता है जोड़ी को, यानी कि घूर घूर कर देखने लगता है। इट वॉज क्विवरिंग। वह कांप रहा होता है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। अब वो जोड़ी को देखने के बाद ना तो खड़ा हो पाता है और ना ही भागने का प्रयत्न करता है। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अब जोड़ी भी क्या करता है, खड़ा हो नहीं हो पाता है, एकदम से हैरान हो जाता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि एकदम से मृगशावक उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। He whispered, it's me. वो धीरे से कहने लगता है कि ये मैं हूँ, जोड़ी हूँ। The phone lifted its nose, scanting him. अब जो मृगशावक है वो अपना नाक उठाते हुए जोड़ी को सूंघने लगता है। He reached out one hand and laid it on the soft neck. अब जो मृगशावक है वो अपना हाथ उठाकर जोड़ी की गर्दन को सहलाने लगता है। The touch made him delirious. अब उस टच से जब वो मृगशावक उसको छूता है जोड़ी को, तो जोड़ी delirious यानी कि बहुत ही उत्तेजित सा हो जाता है। He moved forward on all fours until he was close beside it. अब वो ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स। जो मृगशावक है अपने चारों टांगों पर खड़ा होकर जोड़ी के पास चला जाता है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। अब जोड़ी उसको अपने हाथों से उसकी पूरी बॉडी को पकड़ लेता है। ए लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर। एक पूरी उसकी बॉडी में हलचल सी होने लगती है। जैसे ही जोड़ी उसको उठाता है उसकी पूरी बॉडी में कन्वल्जन यानी कि एक उत्तेजना सी उसे महसूस होती है कि फाइनली उसने उस मृगशावक को देख लिया है, पकड़ लिया है अपने हाथों में। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फोन वर ए चाइना डियर। अब जोड़ी क्या करता है, उसको इस तरह बड़े ही आराम से जेंटली उसको पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है जैसे कि वो एक चाइना डियर हो यानी कि मिट्टी का बना हुआ हिरन हो। एंड ही माइट ब्रेक इट। और उसे ऐसे लग रहा था कि अगर मैंने इसे जोर से पकड़ा तो कहीं ये टूट ना जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। और उस हिरन की मृगशावक की जो स्किन थी बहुत ही सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन। ये बहुत ही स्लीक था, पतला सा था और साफ सुथरा था। एंड हैड अ स्वीट स्केंट ऑफ ग्रास। और उसकी बॉडी में से घास की खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड। अब जोड़ी आराम से धीरे से खड़ा होता है और उस मृगशावक को गोदी में उठा लेता है। इट्स लेग्स हंक लिम्पली। लिम्पली होता है कमजोरी से, उसकी टांगे कमजोरी से बहुत ही पतली लग रही थी। देवर सरप्राइजिंगली लॉन्ग। और बहुत ही लंबी टांगे थी उस मृगशावक की। एंड ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई as possible under his arm. और उसे उठाने के लिए उसे थोड़ा सा ऊंचा करके उठाना पड़ा क्योंकि उसकी टांगे बहुत ही लंबी थी। He was afraid that it might kick. उसे डर लगा कहीं ये अपनी टांगों से उसे किक ना करे। एंड bleat at sight and smell of its mother. और अगर इसने अपने मदर की बॉडी को देख लिया तो कहीं वो bleat ना करने लगे, bleat यानी कि
में मियाने ना लगे। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। अब वो झाड़ियों को हटाकर और आगे बढ़ने लगा। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। उसने उस मृगशावक को अपनी गोदी में उठाया हुआ था और उसे ये बहुत ही भारी लग रहा था। उसके लिए जोड़ी के लिए चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। द फोन्स लेग्स कोट इन द बुशेज। अब क्या हुआ, उस फोन की, उस मृगशावक की जो टांगे थी झाड़ियों में फंस गई। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम। वो अपनी खुद की टांगे भी आराम से उठा नहीं पा रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था उस भार की वजह से। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। प्रिकलिंग वाइन्स होती हैं कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियों से उसका चेहरा बचाने के लिए वो बड़े ही आराम से आगे बढ़ रहा था। इट्स हेड बोब्ड विद हिज स्ट्राइड। और उसका जैसे जैसे जोड़ी आगे बढ़ रहा था, उसका जो सिर था वो बोब्ड यानी कि इधर उधर मूव हो रहा था। हिज हार्ट थम्ब्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। और जोड़ी का जो हार्ट था वो थम्ब्ड यानी कि बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था, ये सोचकर कि इस मृगशावक ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। ही रीच द ट्रेल। अब वो पगडंडी तक पहुँच चुका था। एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड। और वो बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा जब तक कि वो उस इंटरसेक्शन रोड तक ना पहुँच जाए जो कि उसके घर को जाती थी। ही स्टॉप टू रेस्ट। अब वो रुका थोड़ा सा आराम करने के लिए। एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। उसकी झूलती हुई जो टांगे थी उस पर उस टांगों के बाहर से उसने मृगशावक को नीचे ज़मीन पर बिठाया और थोड़ा सा रेस्ट करने लगा। इट वेवर्ड ऑन दैम। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लेटेड। अब वो उसको देखने लगा जोड़ी को और ब्लीट करने लगा, मिमियाने लगा। He said enchanted, I will carry you after I get my breath. अब जोड़ी कहने लगा मैं थोड़ा सा ब्रीथ कर लूँ, सांस ले लूँ, फिर तुम्हें फिर से उठा लूँगा। He remembered his father saying that a phone would follow it. उसके पापा कहते थे कि आप अगर उसे उठा लोगे एक बार उस मृगशावक को तो वो आपका पीछा करना शुरू कर देगा। He started away slowly. अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। The phone stared after him. और जो वो फ़ोन था मृगशावक था वो भी उसके पीछे आने लगा। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन। उसने फिर से उसको स्ट्रोक किया, थपथपाया और आगे बढ़ने लगा। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स। अब क्या हुआ कि जो मृगशावक था वॉबलिंग स्टेप्स रहते लड़खड़ाते हुए जो उसके कदम थे उसके साथ वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। मृगशावक उसे फॉलो करना चाहता था, उसके पीछे आना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम। अब मृगशावक को लग रहा था कि जोड़ी वो उसका ही है। इट वॉज हिज ओन। वो उसे फॉलो करने लगा। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। वो बहुत ही खुश था। ही वॉन्टेड टू फोंडल इट। जोड़ी उसको फोंडल यानी कि बहुत ही प्यार करना चाहता था। टू रन उसके साथ दौड़ना चाहता था। एंड रोप विद इट उसके साथ खेलना भी चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम और वो चाहता था कि उसे आगे बढ़ने के लिए बुलाए। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट पर वो उसे बुला नहीं पा रहा था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे आगे अपने पास बुलाए। ही पिक्ड इट अप। फाइनली जोड़ी उसको फिर से अपने हाथों से उठा लेता है। एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स और अपने दोनों हाथों से उसे उठाकर आगे बढ़ने लगता है। इट सीम टू हिम उसे ऐसे लगता है दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट। अब उसे ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बिना परेशानी के आगे बढ़ रहा है। His arms began to ache। अब उसके हाथों में दर्द होने लगा। एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। अब फिर से वो रुक जाता है। When he walked on, the phone followed him। जब वो रुकता था तो जो मृगशावक है उसके पीछे पीछे आने लगता था। He allowed it to walk a little distance। थोड़ी दूरी तक उसने उस मृगशावक को चलने दिया। Then picked it up again। और फिर से उसे गोदी में उठा लिया। The distance home was nothing। अब घर की दूरी उसे दूरी नहीं लग रही थी। He could have walked all day and night into the night। अब वो दिन रात चल सकता था उसे अपने गोदी में उठाकर, क्योंकि अब उसका उसे एक मोह सा हो गया था। जोड़ी को उससे बहुत प्यार सा हो गया था उस मृगशावक से, और अब उसे अपनी गोदी में उठाकर दिन रात लगातार चल सकता था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। और उसे गोदी में उठाकर चल सकता था और उसे ऐसे देखना भी बहुत अच्छा लगता था जब वो उसका पीछा
बैठा करता था। It was wet with sweat. अब जोडी को बहुत पसीना आ गया था, वो पसीने से भीग चुका था। But a light breeze blew through the June morning. ये जून की सुबह थी तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, cooling him. इसे उसे बहुत ही ठंडक मिल रही थी। The sky was as clear as spring water in a blue china cup. और आसमान इतना साफ दिखाई दे रहा था जैसे एक नीले चाइना कप के अंदर एक झरने का पानी। He came to the clearing. अब वो एक खुली जगह में आ चुका था। It was fresh and green after the night's rain. रात को बारिश हुई थी तो सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा था, ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, हवा भी बहुत ताज़ी चल रही थी। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. अब उसने क्या किया, बड़े ही प्रयत्न से जो लैच थी जिस अंकल से वो बंधा हुआ था उसको सेट करने का प्रयत्न किया और उसे आराम से थोड़ी देर के लिए नीचे बिठा दिया उस रिक्शावक को। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ही फंबल्ड विद द लैच एंड वाज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। अब उसकी जो सांकल जिसे वो बंधा हुआ था रिक्शावक उसको सेट करने की कोशिश करता है और उसे नीचे बिठा देता है। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, वो जब घर पर पहुंचेगा इनटू पेनीज बेडरूम। अब वो सोचने लगता है, इमेजिन करने लगता है कि जब वो उसे रिक्शावक को लेकर घर पहुंच जाएगा तो पैनी के बेडरूम में, अपने पापा के बेडरूम में उसे लेकर जाएगा विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड। और जब वो उधर जाएगा तो पैनी के बेडरूम में जाएगा तो रिक्शावक के भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाएगा। बट एट द स्टेप्स द फोन बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम। अब जब सीढ़ियाँ चढ़ने की बारी आती हैं, एट द स्टेप्स सीढ़ियों की बारी आती है तो रिक्शावक रिफ्यूज़ कर देता है आगे बढ़ने के लिए और हेजिटेट होकर पीछे मुड़ जाता है। ही पिक्ड इट अप, अब जोड़ी उसको गोदी में उठाता है एंड वेंट टू हिज फादर, अपने फादर के पास ले जाता है। पैनी ले विद द क्लोज्ड आईज, उसके जो फादर पैनी हैं वो आराम से आंखें बंद कर लेटे हुए थे। जोड़ी कोल्ड पा लुक, जोड़ी कहते हैं देखो पापा। पैनी टर्नड हिज हेड, अब पैनी उसकी तरफ देखता है। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, जोड़ी उसके पास ही खड़ा होता है। द फोन क्लस्ट हार्ड अगेंस्ट हिम, अब जो रिक्शावक है उसने पैनी को अच्छे से क्लच करके अच्छे से पकड़ा होता है। इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। अब पैनी को लगता है जितनी रिक्शावक के मिलने के बाद जोड़ी की आंखों में एक चमक आ गई है और ऐसी ही चमक उसने उस रिक्शावक की आंखों में भी देखी। ही सैड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, पैनी कहने लगे मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुम्हें रिक्शावक मिल चुका है। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, अब जोड़ी उसको लेकर किचन में जाता है। द फोन वोबल्ड आफ्टर हिम, और जब वो किचन में जाता है तो रिक्शावक भी डगमगाते हुए कदमों से उसका पीछा करता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन, किचन में एक पैन में दूध पड़ा होता है सुबह का। द क्रीम हैड राइज़न ऑन इट, उसके ऊपर मलाई आ चुकी होती है। ही स्कीम्ड द क्रीम, वो उस क्रीम को हटाता है इनटू ए जग और जग में डालता है। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गॉड, गोड होता है तुम्बे का बर्तन, एक कद्दू का बर्तन भी जिसे बोलते हैं, उसके अंदर उस दूध को पैनी डाल देता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और फोन के आगे उस दूध को रख देता है। इट बटर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, अब जब उसको दूध की खुशबू आती है रिक्शावक को तो उसे वो बटर्ड करता है यानी कि उसे गिराने का प्रयत्न करता है। सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, अब फर्श पर फैलने से बचाने के लिए जोड़ी उसको पकड़ लेता है और बचा लेता है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड, अब गोड के अंदर उस बर्तन के अंदर उसे समझ भी नहीं आया कि दूध है क्या है, रिक्शावक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए उसने उसे गिराने का प्रयत्न किया। He dipped his fingers in the milk. अब जोड़ी क्या करता है, दूध के अंदर अपने फिंगर्स को डिप करता है एंड ट्रस्ट दैम इन टू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, और उस रिक्शावक के मुँह के गीले से मुँह के अंदर उस दूध के छींटे डाल देता है। इट सक ग्रीडिली, अब दूध के छींटे जब उसके मुँह में जाते हैं तो उसको लालची नज़रों से वो पी जाता है, रिक्शावक अच्छे से पी जाता है जैसे उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। When he withdrew them, it bleated frantically and buttered him. जब वो अपनी उंगलियों को बाहर निकालता है जोड़ी तो वो जोर जोर से मिम्याने लगता है कि मुझे और दूध पिलाओ। He dipped his fingers again, अब फिर से वो अपनी फिंगर्स को डिप करता है। And as the phone sucked, अब जब रिक्शावक उसे सक कर लेता है उंगलियों को से दूध को चूस लेता है। He lowered them slowly into the मिल्क, और वो दूध को फिर से पीने का प्रयत्न करता है। द फोन ब्लू एंड
सक्ड एंड स्नॉटेड। अब वो क्या करता है, अच्छे से उसकी उंगलियों को चूस लेता है, दूध पी लेता है। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हुफ्स इम्पेशेंटली, और अपने पैरों को इम्पेशेंटली हिलाने लगता है ज़ोर ज़ोर से। उसे और ज़्यादा दूध चाहिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट। अब जैसे ही जोड़ी अपनी उंगलियों को जब तक दूध में डिप करके रखता है तब तक वो कंटेंट सेटिस्फाइड होता है कि मुझे दूध मिलता रहेगा। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमिंगली। अब वो सपना देखते हुए अपनी आंखों को मिल्क शावक बंद कर लेता है। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। और सपने देखने लगता है, उसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है कि उसकी जो जीभ के पास जोड़ी की उंगलियां आएंगी और उसे वो सक कर लेगा। इट्स स्मॉल टेल फ्लिकर फ्लिक बैक एंड फोर्थ। उसकी जो छोटी सी पूंछ थी वो भी आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्विर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। और दूध की जो लास्ट बूंद थी वो झाग बनकर उसे अच्छे से उसने पी लिया, फिनिश कर दिया। इट मीन्स उसने दूध को पूरा फिनिश कर लिया, सक कर लिया। ये थी कहानी जोड़ी और उसके मृग शावक की। कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।